है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंज कुंज भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। वहीं पर स्वाध्याय कर लिया जाए और उसी को थोड़ा सा दूसरा रूप लिया जाए। लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण वहाँ पर सभा भवन में बहुत अच्छी शांति के साथ बैठे हैं, ऊपर छत्रपति का काम कर रहे हैं पंखा। तब हमने कहा कि ये बात और समय पर आकर गुरु जी ने चार पांच काव्य लिखी, संस्कृत निष्ठ है और उनमें से जयोदय महाकाव्य, वीरोदय महाकाव्य है, सुदर्शनोदय महाकाव्य है और एक और गुणोदय के क्या है वो भी महाकाव्य का ही एक प्रकार से रूप है। ये सारे सारे काव्य संपदा संस्कृत निष्ठ हैं और काव्यात्मक हैं, पद्यात्मक हैं। पांचवा एक महाकाव्य उन्होंने लिखा जिसका नाम दयोदय रखा। ये पांचवा महाकाव्य और यह चंपू महाकाव्य है। कुछ गर्भ कुछ पर समन्वित ये उभयात्मक काव्य है। उसका नामकरण उन्होंने दयोदय रखा है, दया का उदय, धम्मो दया विष्णु किसी कुंद कुंद देव ने कहा है। धर्म का उदय दया के बिना संभव नहीं है। जहाँ दया का उदय होता है वहाँ पर धर्म पुष्ट होता है और जहाँ पर दया नहीं है वहाँ पर धर्म आने को संभव ही नहीं है। तत् धम्मो यत् दया, एक व्याप्ति व्याप्तिपूर्वक धर्म की बात कही गई है। धर्म वहीं पर रहता है यहाँ पर दया विद्यमान रहती है। तो दया को ही सर्वप्रथम और सर्वतोमुखी रूप से संतों ने स्वीकारा है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया के द्वारा ही विशुद्ध होता है। यहाँ पर दया नहीं है तो धर्म में भी कुछ कमियाँ अवश्य हैं। यह कुंज कुंज की वाणी है, हमें उसका पालन आवश्यक करें अथवा पूर्ण रूपे में करें, करना अनिवार्य है। अपने यहाँ जल का आनंद होता है। जल का आनंद का अर्थ होता है जल का हम वस्त्र के माध्यम से छानते हैं और छन्ना भी एक प्रकार से उपयुक्त छन्ना अपनाते हैं, छिद्रदार ना हो, बहुत महीन भी ना हो, किंतु वह दो तीन पल्ला वगैरह डाल करके आप अपने ढंग से शास्त्रोक्त पद्धति से जल धारण करते हैं और इसके उपरांत जल धारण के बाद वो जो छन्ने में रह गया एक गुंड दो गुंड तीन गुंड आदि आदि या घड़े
छानने के उपरांत अंत में बाल्टी में वह बिल छनने जिसको बोलते, पानी तो छन गया है और उसको तो छान नहीं सकते अब, और छनने में जो रह गया था उसको धो करके बाल्टी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अब देखो उस बाल्टी को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है, उसमें एक और व्यवस्था रहती है, भंवर कड़ीदार। भंवर कड़ी आप समझते हो हैं? आज तो ट्यूबवेल के माध्यम से काम लेने वाले न भंवर जानते हैं न कड़ी जानते। हाँ, किंतु वो भंवर कड़ी इसलिए बोलते हैं, उसमें एक कड़ी रहती है, उसमें भी कुछ बंधा हुआ रहता है और वहाँ पर उस डोर को थोड़े से ऊपर उठाने के बाद वह भीतर के जो गिंछना है वह धीरे से पानी में उतर जाता है। बस इस प्रकार अंतिम क्रिया करके उस बाल्टी को लेकर के आ जाते हैं। यह यथावत जीवों को यहाँ से निकाला गया था वहीं पर पहुँचा दिया जाता है और पानी छना हुआ घर की ओर ले आते हैं। यह क्रिया भारतीय संस्कृति के अनुसार केवल जैनियों में नहीं किंतु बुंदेलखंड में भी यही रिवाज है। डोर लोटा और गमछा, गमछा का अर्थ क्या होता है, दोनों प्रकार का वो काम में आता है। हाँ, नहीं समझे, उसी के एक कोने में नहीं समझे कुछ बना हुआ रहता है, क्या रहता है, सतुआ है ना, सतुआ। सतुआ का अर्थ क्या, सत्ता, सत जिसको बोलते हैं सत, वो गेहूँ का भी हो सकता है और चने का भी हो सकता है और जो अपने पास धान होगा उसका सत निकाल करके वो काम में आता है और पानी छान करके उसमें घोल लिया और ले लिया और चल दिया, ये काम होता है। तो किंतु छानने का उपक्रम डोर और डाल अपने लोटा बिल्कुल लुटिया के गले में डोर बांध दो और नीचे छोड़ दो तो ले लो, काम हो गया। इतनी स्वतंत्र क्रिया है ये, इसमें दया का अपने आप ही हम अधिगम कर लेते हैं। इस क्रिया के माध्यम से हम दूसरे को भी प्रशिक्षण दे रहे होते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से दूसरा कि बिना अपन भी हो क्यों न हो वह अच्छे ढंग से समझ लेता है। इसी को हम विद्यालय बोलते हैं। विद्या का आलय इसी का नाम, जो व्यक्ति प्रयोग करता है दया का धर्म का उस व्यक्ति को देख करके काम किया जाता है। और यह आज की नीति में रीति में ये परंपरा बहुत युगी बहुत युगों से आ रही है, इसलिए जैनियों के यहाँ ही एकमात्र दया का पालन होता ऐसा नहीं, अन्यत्र भी इसको अन्य पुराण ग्रंथ इत्यादि में भी इस कारिका का हम अवलोकन कर सकते हैं कि वह वस्त्रभूतम पिबी जलम, ये पंक्ति मिलती है। जो वस्त्रभूत ने वस्त्र के द्वारा पवित्र जल होता है, कैसे पवित्र होता है, छानने के द्वारा वो पूत पवित्र होता लेने योग्य होता है। इसलिए आज मेरा कहना है कि थोड़े जल बिल छन्ने को भी उसी में उबाल करके पहुंचा करके फिर बाद में अपनी क्रिया को
संपन्न करता है। आदि प्रमाद के कारण अन्य साधु न ले, किंतु आप पानी जो ग्रहण करते हैं नल से, वह नल बाद में आ जाती है। नल में प्रविष्ट तब वह पानी होता है जब उसमें कितने लीटर कितने गैलन चलता था, अब वह लाखों गैलन का पानी एक साथ छानना फिरना कुछ नहीं, छन्ना फिरना कुछ नहीं, बस सीधा ही वो टैंक में आ जाता है और एक कुआं टाइप बनाया जाता है, उसमें औषध डल जाता है। औषध का अर्थ क्या है, वो पानी संशोधित हो जाता है, उससे छानना पीना कुछ नहीं, उसमें वह औषध डलने के उपरांत उसमें एक भी ट्रस बच नहीं सकता। हम तो आखिरी बात कर रहे हैं महाराज, आज प्रतिदिन यह वहां पर होकर के आता और वह औषध डालने के उपरांत पंचेंद्र भी जीवन उसमें है, वह भी उसमें बच नहीं सकता। ऐसा एक जीव बच नहीं सकता, आप एक जीव की बचाव की बात कर रहे हैं, वहां पर टैंक कुएं के कुएं समाप्त हो रहे हैं। जो बड़े बड़े शहर जहाँ बन रहे हैं, नहीं समझे सरकार आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रही है क्योंकि आपकी मांग है, हमें ऐसे रोड चाहिए, हमें ऐसे मकान चाहिए, हमें ऐसा शहर चाहिए, चाहे आज ही सारा पैसा खर्च क्यों ना हो जाए। अब समझो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कितना पैसा चाहिए और आपसे वो खरीद करके सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा कुएं तो बंद होते चले जा रहे हैं, इस ओर भी तो दृष्टि रखो। पहले के लोगों ने कुएं खोदते चले गए और आप कुएं को बंद करने की बात कर रहे हो, और बंद करने के उपरांत जल पीने की तो बात फिर भी कर रहे हो। बिना जल का यदि मान लो आपका जीवन चलता है तो कुएं बंद कर दो, लेकिन जल तो चाहिए। अब पूरा का पूरा जल बिना छना हुआ पूरा निर्जीव होकर के वो आपके यहाँ नल में प्रविष्ट होता है। यदि तीन मंजिल चार मंजिल आपका है तो वहाँ पर वह जाएगा जल, आप लीजिए। क्या करेंगे अब, बिन या बिन छना तो दूर, यहाँ तो छानने की प्रक्रिया ही समाप्त हो रही है। ये बरसों हो गए चलता चलता चलता, सुन रहे हैं, गाँव में लगभग नहीं आया, छोटे छोटे गाँव में, किंतु दशा बहुत खराब है। ये पढ़ा लिखापन ये है क्या, हमें समझ में नहीं आता। आप लोगों की रक्षा के लिए जल शुद्ध बनाने के लिए प्रक्रिया ये चल रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। शहरों में हम जाना है, शिक्षण हमें चाहिए, पहले शिक्षण ये समाप्त हो जाएगा, हो गया पूरा का पूरा, अब कौन सा शिक्षण आप लेंगे। इसी प्रकार खाने की पीने की बात हो रही है। अब उस दयोदय की बात मैं कह रहा था, उसके पीछे ये भी और था, वर्तमान युगिन क्या परिस्थितियां आप लोगों के सामने आ रही हैं, अनेक बातें इसके साथ ऐसी जुड़ती चली जा रही है। खान पीन तो बिल्कुल आप विश्वास करिए, हमें विश्वास है महाराज, इसको कोई भी शुद्ध कह नहीं सकता, अशुद्ध ही है, लेकिन अब करें क्या, क्या करें, सभी लोगों के साथ होना पड़ता है। ये एक रूढ़िवान कहो या भेड़ जाल कहो,
ये घोड़ों की चाल नहीं मानी जाए, ये तो भेड़ों की चाल नहीं मानी जाएगी, ये तो घोड़े की चाल भी नहीं मानी जाएगी, किंतु भेड़ चाल है। एक भेड़ सामने गया, उसके पीछे भेड़ की लाइन लग गई और सामने वाला व्यक्ति खड्डे में गिर गया तो खड्डा भर गया सब भेड़ों से। इसको बोलते हैं रूढ़िवाद अथवा अज्ञानवाद। कोई नहीं सोचा जा रहा क्या आप दया की रक्षा कर सकेंगे, इसलिए तो मेरा कहना है। किंतु जानवर फिर भी अपनी रीति रिवाज संस्कार आदि जो करते बनाए रखते हैं। जानवर दिन में खाते हैं और रात में उसको जुगाली करते हैं और आप रात दिन खाते रहते हैं, कितना अंतर है। बस आपके घर में रहने वाले गाय क्या सोचती होगी हैं, हम तो खा नहीं रहे और ये तो खाते ही जा रहे हैं, हम कहाँ पर किसके द्वारा बेचे गए हैं जो इस प्रकार के भाई के यहाँ हमारा आना हो गया। हम सोचते थे कोई धर्मात्मा होगा, हाँ क्यों नहीं, धर्मात्मा छानबीन करके सब काम कर रहा है, वो कुछ कह नहीं पा रहे, ये बात अलग है। लेकिन हिसाब किताब देखते हैं, रीति रिवाज देखते हैं तो यह है। दूसरा एक कदम और उठाता हूँ मैं, आपको विस्मय होगा अथवा श्रद्धान होने में आपको देर लग सकता है। मेडकाउ नाम से एक बीमारी आई थी, सुन रहे हैं आप तो? हाँ, मेड का अर्थ होता है पागल और काउ का अर्थ होता है गाय। गाय पागल क्यों हुई? पागल के कारण वह पागल हो गए। क्या पागल? पागलपन तो ये हुआ गाय को पुष्ट बनाने के लिए, उसकी चारे में, उसके भूसे में, उसके दानों में आदि आदि में क्या रखा, क्या मिलाया? मांस, मांस को मिला मिला करके सीधा रखेंगे तो मांस नहीं खाएगी गाय। किंतु एक प्राकृतिक रूप से शाकाहारी प्राणी को मांसाहारी बनाने की प्रक्रिया कैसी चल रही है? केवल पैसे का अर्जन करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है आज। तो ये ध्यान रखना कि उस दो दाना बनाने वाले हैं, दाना बनाने की प्रक्रिया में ये मांस और मछलियों के टुकड़े भी उसमें डाले जाते हैं और लेख लेख भी मिला हमें। तो इससे तब ज्ञात हो गया कि क्या क्या किया जा रहा, उसके कारण वो प्राकृतिक प्राणी है, शाकाहारी है, मांस का वह भीतर तो पहुंच गया क्योंकि आपने मिला करके दे दिया, उसको भान नहीं हो सका, उसकी प्रकृति में वो था ही नहीं मांस भक्षण करना, इसलिए वो सब पागल होने लगे। और पागल होने के फलस्वरूप अब उसका मांस किसी के यहाँ नहीं जा सकता। तो ये ज्ञात हो गया सब लोगों को, तो कहा यहाँ से जो आ रहा है उसको पहले बंद करवा दो। ऐसी स्थिति में लाखों के गायों को जो पागल हो चुके थे और पागल होने को थे तो वैसे हो गया, तो उनको जीवित अवस्था में समाप्त करना पड़ा। यह सब लेख हमने पढ़े और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। आप अब अड़ोस पड़ोस में ये हाल है तो आपकी क्या जिंदगी होगी, आप देखो। ऐसे ही कई और रोग आ रहे हैं जिनको इंग्लिश में बोला जाता है और उसके माध्यम से दवाई कराई जाती है क्या पता नहीं। रोगों के नाम अलग रहने से
कुछ पता नहीं लगता, दवाइयाँ कैसी चल रही हैं, क्या चल रही हैं, कहाँ बन रही हैं, इसके कोई भी ठिकाना नहीं हो रहा। लेकिन हमें बचना है, तो बचना है तो फिर क्या, नमो कर मंत्र की याद रखो, ओम नमः सिद्धि बोलो, कर्मों के विपाक धर्म ध्यान करो, दवाई का निषेध नहीं। लेकिन हम क्या खा रहे हैं ये पता नहीं लगेगा, हम गायों को भैंसों को क्या खिला रहे हैं ये पता नहीं लगेगा, तो क्या होगा आपको बताओ। सारे सारे खान पीन की चीज़ें घर में बनती थी, उसका उत्पादन भी इसी ढंग से होता था, कुछ ही चीज़ें दुकानों के माध्यम से खरीदी जाती थी, बाकी सब घर में बनते थे। आज घर में कोई भी नहीं है, नहीं समझे? ये बहुत अच्छा शुभ लक्षण है। क्या वो ये है, जितने भी घर है वहां पर कोई रहता नहीं, उनको उदासीन आश्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कब आते हैं, शाम को रात को आएंगे, सोएंगे पुनः सोच चले जाएंगे, भोजन कहाँ से आता क्या खाता, तो सब आपके घर में आपके सब कुछ स्थान तक पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा, कुछ खाने की चीज क्या है पूछो नहीं, तो इस प्रकार पैक फेवर उसके एक छेद करो, ऊपर से छोड़ दो मस्त, और वह पानी घूंट ले लो, सब ठीक हो जाएगा, पेट में वह खुल जाएगा, पच जाएगा, और सब पाचन के भी सामान उसमें मिले हुए हैं। ये स्थिति आ गई है, इसको बोलते हैं आधुनिकता। ये धुन ऐसे लग गई, नहीं समझे, क्या बताएं, इसको बोलते हैं आधुनिक जीवन। नहीं, मॉडर्नाइज का अर्थ मर्डर नहीं है, सिद्धांत का मर्डर करके आप आधुनिकता लाना चाहते हो तो अवश्य एक दिन आएगा, इस बात को सभी लोग इनकार करेंगे। धीरे धीरे अब नल के स्थान पर सरकारी कह रहे हैं, सब लोगों के इर्द गिर्द कुआं भी होना चाहिए, पानी जमीन में पहुंचना चाहिए, और सीमेंट के अब रोड नहीं करना चाहिए, डांबर के रोड नहीं करना, पूरे के पूरे शहर मान लो 50 किलोमीटर तक है, वहाँ पर कोई भी जमीन खाली नहीं मिलेगी जो पानी उसके भीतर घुस जाए, तो आए उस पर कहाँ से आए, एक बूंद भीतर पहुँचेंगे बाहर आएगी भी नहीं। ये बिल्कुल आप लोग सीमेंट के द्वारा कंक्रीट करके छोड़ रहे हैं, नीचे से ऊपर आएगा ही नहीं पानी। ये सब प्रदूषण ऐसे हैं, ये देश के लिए भूषण नहीं, ये प्रदूषण है। खरबों रुपए व्यय हो रहे हैं, फिर भी आप दया को नारे के रूप में जीवित रखा है, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, इसके द्वारा संस्कृति की रक्षा हो रही है, प्रकाशन भी आपके पास बहुत अच्छा तगड़ा साधन है, जिसके द्वारा यहाँ पर लाया जाता है और रखा जाता है, और उसके ऊपर ये कोई धनिक को ढूंढा जाता है, और कितने यहाँ पर रखे जाते हैं फिर एक भी हमारे पास नहीं रह पाता। ये हो गया, बस एक धनिक को ढूंढो, दया में धर्म की सेवा करो, करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम आधुनिकता को छोड़ नहीं सकते, यह बात बहुत गलत है। विदेश में जो कोई भी चीज खाई जाती है उसके लिए प्रोटीन की विवक्षा आवश्यकता होती है, तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उन सभी चीजों को वे उन्हीं तत्वों के माध्यम से समृद्ध पुष्ट बना देते हैं, और वो अनिवार्य समझते हैं,
और बिक्री के लिए सब लोगों के पास हुआ आ जाता और सब लोग उसको खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें सब मांस के संबंध रहते हैं, अंडों का संबंध रहता है। और यदि भी देश से चल करके आपके आएगा उसको भी आप खरीद लेते हैं और चलता है, क्योंकि आधुनिकता हवा भी नहीं लगती, हवा कहीं नहीं लगती इसलिए तो शाखा है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। आप लोग इस ओर जो है ना सक्रिय होकर के नहीं सोच रहे, अब ऐसे समझ रहे हैं आप हमारा को तो क्रिया तो अब समाप्ति हो गई है, नहीं समझे। श्रम तो हम कर ही नहीं सकते, श्रमिक महाराज ये सबसे बड़ी बीमारी आज चालू हो गई। क्या हो गई? कोई एक ही काम करने वाला नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ भगवान इसका दिमाग क्या खराब हो, हमें कोई भी आदमी नहीं मिलता महाराज जो काम हम कराना चाहते हैं, ये सब काम अब हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी काम करने वाला नहीं मिलता। आप आदमी नहीं है क्या? बोलो आप आदमी नहीं है? हाँ है ना महाराज, हमारे यहाँ आदमी किसको बोलते हैं? बोलो रहा हंसी हो रहे हैं, बोलो घर सुन रहे हो? नहीं, आपके पत्नी आपका परिचय बता रही है कि कौन है महाराज हमारे आदमी, इनको काम बताओ। हर घर में आदमी हो करके अब कौन से आदमी को हम लाए बताओ? हम लाए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आपको आदमी आया है। एक व्यक्ति ने कहा, पत्नी ने, हमने इनको खरीदा है, मालूम है पैकेज सिस्टम से हैं। हमने क्या क्या है आप ही लोग दिया लो, हाँ खोका हमने खरीदा, ऐसा आदमी कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ अब हम जीवन पर्यंत इस आदमी से काम लेंगे। ऐसे आप आदमी मिले उनको और आप कहते हैं महाराज बहुत बड़ी बीमारी। कैसी बीमारी? आप इसीलिए हो 72 कलाओं में गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए 72 कला पूर्ण होना चाहिए, उसी का नाम आ दमी। मैंने असमता दमी इंद्रियाणाम दमनम करोति इति दमी, अब उसकी कमी हो गई, कहां से ढूंढे? इसलिए अपना कार्य दूसरे को ऊपर लादने वाला व्यक्ति वह कभी भी ऊपर नहीं उठ सकेगा। हर काम में आप भगवान के मंदिर में आए हैं, माली चाहे आप कौन से माली नहीं है क्या? आप ओ भाग्य समझ लो, तीन लोग के नाथ के यहाँ वह ऊपर का सौदर्यंद्र भी ओ भाग्य समझता है, मैं अपने जीवन काल में 250 वर्ष तक भगवान ऐसे तीन लोग के नाथ की चाकरी सेवक बन करके काम करूंगा। और वह भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, झाड़ू कौन से झाड़ू? दिव्य झाड़ू सर्व से ले आता है और लगाता है। और आप लोग हे आदमी, और इस प्रकार किसी एक व्यक्ति को आदमी कहना तो गलत है। आप हमेशा में से जब आदमी के रूप में स्वीकृत हो गए हैं,
दूसरे को आदमी मत कहो, वो अभी दूसरे के घर में आदमी है। अन्य राष्ट्रों में, देशों में वह हर व्यक्ति अपने हाथ से काम करता है। एक बार देखा, वह कहीं भी क्षेत्र पर था तो एक व्यक्ति आ रहा था, और वो आ रहा था वृद्ध भी लग रहा था, और वह आ रहा और उसके साथ साथ दोनों तरफ से दो कुत्ते के भांति लग रहे थे। वो ले करके आ रहा था, फार जैसे जैसे पास में आया, ये दोनों कुत्ते नहीं हैं किंतु एक वृद्ध जैसा है, लेकिन अपने हाथ से खींचता आ रहा है। अब समझ में आ गया, वो स्टेशन के ऊपर जैसे माल कुली कुली लोग नहीं समझे, और उसमें नीचे छोटे छोटे पहिया लगे हुए थे, तो ले आ रहा अपने अपने बैग, अपने अपने भी जो कोई भी बोरी वगैरह हैं, तो ले आ गए, और वह धीरे धीरे चढ़ना भी प्रारंभ कर दिया, वो चढ़ता भी चला गया। देखो ये विदेशी यात्रा, इसी को हर एक व्यक्ति वहाँ पर स्टेशन पर अपने ही हाथों से अपने जो कुछ भी भार है आभार समझ करके वो ले जाता है। भाई कुली कहीं है नहीं, कुली कहीं हम तो कुली है, कर लो नहीं तो यहाँ पर भीड़ हो जाएगा, हटा दिया जाएगा तुमको, इस बात से करो। इसी का नाम देश की संस्कृति की रक्षा का काम इसी से होता है। भारत को समझना चाहिए इन सब कामों में आलस छोड़ करके, अहिंसा अहिंसा की यदि रक्षा करना चाहते हो तभी आप उसकी पूजा कर सकोगे। रक्षा का अर्थ ही पूजा है, रक्षा का अर्थ ही पूजा है। यदि दया की रक्षा आप नहीं करेंगे, एक एक बूंद में भी जीवों को असंख्यात मान करके जैन दर्शन आप लोगों के लिए शिक्षा दे रहा है, और वह एक एक दिन में कुआं बड़ा बड़ा लाखों गैलन में, तब शहर कहीं जा करके एक घंटे 24 घंटे के लिए काम में आता है, दूसरे दिन एक और कुआं निकलेगा, ऐसा पूरा का पूरा पानी निर्जीव होकर के आपके पास आता है। अब आप सोचो, दया की बात कर रहे हो, असंख्या जीवों के आहुति के बिना हम कर नहीं रहे, और इतने आलसी हो गए हो, आज रोग हो रहा है इसलिए कि सुबह से लेकर के शाम तक अपने घर के योग्य पानी का जो व्यक्ति कुएं से निकालेगा बाहर, तो अपने आप ही खाया हुआ पानी बन करके बाहर निकलेगा, उसी का नाम पसीना है, समझे। इसी प्रकार आटा, आटा चक्की क्या बोलते हैं, आटा चक्की बोलते हैं, बस अपन भीतरी चक्की को यदि चलाना चाहते हो तो आटा क्या है, ये आटा से कितना मर्यादा, सुने काहे की मर्यादा, मनुष्य की मर्यादा नहीं, आदमी की मर्यादा तय कर लीजिए कि गर्मी के दिन की मर्यादा कितनी, 8 दिन 5 दिन, और सर्दी की मर्यादा 7 दिन, 2 दिन जाड़ा हो गए, और वर्षा की, हाँ देखो सबसे कम वर्षा के दिनों की मर्यादा है 3 दिन की, बस 30 हुए नहीं निकल गए, उतना ही चक्की में चपो ताकि यह आगे काम, वहाँ तक तो पुनः आएगा तो पुनः कर गलेंगे, ये होता था। और आज सुन रहे पॉकेट भर करके आ गए, क्या है अपना का दान, अपने का दान, अपने का दान मतलब मई दा, सुना मई
दे दिया दा, इसका नाम मैदा हो गया दा, क्योंकि वह जीव से भरा हुआ है, कोई ही भी देखभाल नहीं। 3 दिन की मर्यादा है क्या? इसलिए आचार्य कहते हैं, ऐसी संस्कृति को क्यों अपना रहे हो? ये कब तक चलेगा? कब से आया है? क्यों आया है? आटे के बारे में ये चीज है, पानी के बारे में ये चीज है, और जो कोई भी है फल फूल आदि इसके बारे में यही चीज है, जो बेमौसम की भी आप आम है अनार सेब आदि आदि रखते हैं, ये मौसम नहीं है, बिल्कुल बेमौसम हम इस ढंग से खा रहे हैं और बेमौसम ही जा रहे हैं। कहाँ? ऊपर। बेमौसम का है ये खाना, इसलिए मौसम के फल ही सेवन करिए, मौसम के धान को ही लीजिए, तो आप बिल्कुल बढ़िया मौसम में रहोगे। यह केवल खान पीन की व्यथा से हमारे सामने दशा दुर्दशा होती चली जा रही है। उस दयोदय में एक ऐसी कथा गुरु जी ने हमारे सामने रखी और उसको सुन करके आप लोग तो विस्मित होंगे, वो पढ़ी तो होगी आप लोगों ने, उन्होंने महाकाव्य का रूप दिया है और उसमें एक धीवर है, धीवर वह है जो कि मछलियों को ही पकड़ता है और उसी को अपना आहार बना करके अपना निर्वाह करता है, उसका और भी खान पीन नहीं है, जिसको वह धीवर बोलते हैं, उसकी कथा को उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से रखा। और एक मुनि महाराज से वो मिला तो क्या ऐसा है, जैसे आप लोग आए हैं तो वह एक मुनि महाराज के पास वंदना के हेतु जनता आती है जाती है, उसमें वह भी दिखता है, प्रतिदिन ये जनता आती है और चली जाती है। जब चली गई अपने अपने वृत्तों को लेकर के, तो महाराज ने सोचा ये कौन खड़ा है अभी, वह संदिग्ध हुआ कहीं महाराज जी मुझे पकड़ न ले, क्योंकि मैं तो ये सब कुछ कर नहीं सकता। तो वो आकर के पूछा कि महाराज आपके पास ये दुनिया आती है और चली जाती है, ये क्या लेती है क्या लेते हैं? बोलते रहते हैं हमने ये ले लिया ये ले लिया, महाराज ने हमको ये दे दिया ये दे दिया। हमने भी सोचा, वह धीवर कहता है कि हमें भी कुछ ले लें महाराज जी से, कुछ मिल जाए, ये समझे। इस मोह में उसने कहा, महाराज उनको तो दिया है, हमें भी कुछ दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं है, कि बता दो। लेकिन महाराज ऐसा है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसकी के बिना तो मेरा जीवन चल ही नहीं सकता, मेरी तो यह आजीविका है। तुम दया धर्म का पालन कर सकते हो तो दया कैसे, इसके बिना तो जीवन नहीं चल सकता। ये सुन लो, कुछ तो कर सकते हो, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसके अलावा कुछ कर लो। नो, हम ये कहना चाहते हैं इसके बिना काम नहीं चलता तो कोई बाधा नहीं, चल जाए तो हम ले लेंगे, कैसे चलेगा महाराज बताओ। ऐसा कर देना, जब वह पकड़ते हो मछलियों को, तो पहली तो जब जाल आप बिछाते हो पानी में प्रवाह में, तो उस समय जो पहली मछली आएगी उस पहली मछली को छोड़ दो, पुनः आएगी उसको हम काम में लेंगे। इतना तो क्या हो सकता महाराज, ये तो क्या हो सकता, ये तो आसान है। नहीं समझे, जाल में फंस गए। देखो महाराज कितने दया करते हैं, सुन रहे हो? और ये और किसी को हमने नहीं लिया है, दया के स्थान पर उन्होंने एक मछली पकड़ने वालों को, धीवर को अपना काव्य का महाकाव्य का विषय बनाया और चला गए। वो तो मछली ले ली, आ गई
एक बहुत मोटी मोटी मछली आ गई। ये तो बहुत मोटी है, लेकिन देखो अभी अभी बाबा ने वध दिया है। पहली मछली आएगी कोई भी, उसको लोग नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है, और आ जाएगी बस। उसको उन्होंने छोड़ दिया और ऐसे उसको ये कर दिया, जैसे आप लोग गाय वगैरह के गले में मानते ना निशान, निशान लगा दी तो कुछ बांध दिया पूंछ में, तो वह दूसरे फैला दिए। योग से वही मछली पुनः आ गई। अरे रिप, ये तो वही मुठी है, वही है कि है, देख लो वो तो वही है, अरे ये कैसे आ गई। तो इस प्रकार तीन चार बार करता तो वही मछली आ जाती है, इसी में दिन डूब गया। खाली ही वो आज कुछ लेकर के आ, बस यही कथा है। और जाते ही गृह मंत्री ने कहा, कौन सुन रहे हो? अरे कैसे आदमी है ये, दिन तो डुबा दिया पर काम ही नहीं किया, इसके लिए थोड़ी है आज ही इनको राइट टू रिकॉल, तो रिको जहाँ से आए गए जाओ, दरवाजा बंद। और पत्नी का नाम ले लिया, ले लिया कुछ नहीं, हमारे आदमी ऐसे आता ही नहीं, यदि आ गया तो हम उसको आदमी मानते ही नहीं, घर हमारा है, हम सब कुछ बना लेते हैं, उनको रखते हैं, हमने आदमी को रखा है, नहीं समझे? आप लोग सब रखे हुए आदमी हैं, बिल्कुल पक्का है। ये भारतीय संस्कृति है, जो ही सास फेरे पड़ती है वो लक्ष्मी काहे के दरवाजे की बोलो, और आप क्या हैं? वो लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, देवता है, और आप उनके आदमी हो। जैसे वो देवता कहेगी कुल देवता, कुल देवता की आप रखवाल अच्छे ढंग से करो तो आपका निर्वाह होगा, तो उसका तो बाहर ही लगा निकाल दिया और बाहर कहीं रह गया दीवारें इत्यादि के शरण लेकर के। रात में योग से सर्प ने काटा, फिर बाद में उनका मरण हो गया। फिर बाद में मालूम पड़ा उस गृह मंत्री को, अरे ये क्या हो गया? तो गृह मंत्री सब ढूंढते ढूंढते आ गए, फिर बाद में सोचते हैं ओहो हमने ये क्या कर दिया, हमारे आदमी के साथ तो व्यवहार ठीक नहीं किया, इसको यहाँ पर आना पड़ा और ये मरण को ही प्राप्त हो गया। योग की बात है, सुन लो, योग की बात है, वही सर्प आ करके उस धीवरिन को भी उसने काट दिया और दोनों का अवसान वहाँ पर उसी दिन हो गया। इन दोनों का बहुत अच्छा मेल था। एक कथा सारांश में आपके सामने रखकर, प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए, यही रीत रघुकुल से आए। रघुकुल का अर्थ राम नीति, इसी को बोलते हैं। एक ही छोटा सा व्रत लिया था किंतु वही अब आगे के जीवन में क्या बनता है इसका वृत्तांत दिया है। तो प्राणी की ओवर दया करने से क्या फल मिलता है, छोटा सा व्रत होता है, इसलिए आप कोई भी कार्य करो छोटा नहीं हो सत्कार्य होता है, इसलिए दया के क्षेत्र में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस काव्य का नाम उन्होंने दयोदय महाकाव्य कहा। इसी को हमने समझा कि आप लोगों के सामने जो कोई भी गौशाला खुल जाती है, सर्वप्रथम जहाँ पर खुली थी उसका नाम दयोदय गौशाला रखा था। जहाँ कहीं भी होते हैं तो उसी नाम से वह काम चल रही है। कि जबलपुर में
दयोदय गौशाला खुली दयोदय तीर्थ, तो वहाँ जयपुर से एक ट्रेन ही चलती है और उसका नाम भी क्या है, दयोदय एक्सप्रेस, सीधा वहाँ से आती है, सीधा वहाँ तक चली जाती है। यह तो अभी बहुत कम है, इसकी रफ्तार और बढ़ेगी और बढ़ती जा रही है और ऐसी बढ़ेगी। तो यहाँ देन देन की बात नहीं है, सबको इसका महत्व समझाना है और वस्तुतः ज़्यादा समझने की बात है ही नहीं, वो अपने आप को आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि मूल रूप में यही है, यही संस्कृति है। इसको यदि हम पालेंगे सब हमारे काम पूर्ण होंगे, ऐसा ये आज का वक्त छोटा सा है लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुन लिया, बहुत अच्छा काम किया, अब तो आप आदमी बन गए हैं, नहीं समझे जा करके सब लोगों को कह देना सही रूप आपका है। आदमी का काम है आदमी करे, विज्ञापन पहुंचा दे तो सही पहुंचा दो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। और इस प्रकार भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में आप लोगों का योगदान अवश्य होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, हमारा गुणधर्म है, हमें यह उपलब्ध हुआ, इसलिए गाय के मांस हेतु आप उसका संरक्षण नहीं, विदेश में तो मांस की अपेक्षा से उसको मेड भी बना दिया, किंतु आप लोग कभी भी भूल करके ऐसा काम नहीं करना, उनकी सेवा उनके जो निर्वाह करने से उनके लिए सहयोग देने से आपकी वृद्धि, जिसको बोलते हैं आजीविका, गायों को आप नहीं पाल रहे हैं, पशुओं को आप नहीं पाल रहे हैं, उनके द्वारा आपका जीवन पल रहा है, यह संतों का कहना है, इस बात में रहस्य है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अहिंसा परो आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि चिंता मन किंचित वस्तु दाने स्वामंद मानस्य ममास्तु।